चीज दिखा रही थी। एक टाइम में ना मुझे बहुत नशा था, चैनल कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। हाँ बेटा, क्या दो पैसा कहाँ से मिला? दो पैसा दादाजी दिए हैं। हाँ। तो लीजिए दो पैसा, खेलिए, हम क्या करेंगे लेके आप। चलिए चलिए, तो चलिए बउआ के लिए मैगी भी बन रहा था। हाँ अच्छा ठीक है, रखिए बेटा आप ही रखो, आ जाओ किचन में आ जाओ। तो यहाँ पे मैं बउआ के लिए बना रही थी मैगी किचन में, क्योंकि बच्चे आज जिद कर रहे थे कि नाश्ता में ना मैगी ही खानी है, तो इस वजह से मैं किचन में ना आज मैगी बना रही हूँ। होता है ना कि बच्चे को कभी कभी मन करेगा कि नहीं मैगी खाना है, तो कभी कभार देने में कोई हर्ज नहीं है। आप डेली ये नहीं दे सकते हो, बट कभी कभार देने में ना सही में कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए फिर झटपट बना लेती हूँ मैगी, उसके बाद शेयर करती हूँ आप लोग से बेसन वाली मिठाई। तो चलिए झटपट शेयर करती हूँ आपसे अपनी बेसन वाली मिठाई। तो इसको मैसूर पाक भी बोल सकते हो आप, बर्फ़ी, खस्ता बर्फ़ी, जो भी बोल सकते हो। बहुत अच्छी बनती है और मैं तो बनाती हूँ उसी दिन ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे इस कटोरे से मैं ली हूँ नाप के, इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग को बनाने में ईजी हो। आप कोई सा भी अपने घर का बर्तन, कटोरा या गिलास से भी नाप सकते हो। बस क्वान्टिटी यही रखिएगा कि एक गिलास अगर चीनी लीजिएगा तो उसे थोड़े से कम आप बेसन लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं चीनी डाल दी हूँ और इसी में डालूँगी 1.5 गिलास के करीब पानी, ताकि चीनी पिघल जाए। और पिघल के जब चाशनी जैसी गाढ़ी चाशनी हो जाएगी, उसके बाद मैं बेसन को ना रिफाइन में घोल के डालूंगी, ताकि गाठ कूट लिया बिल्कुल भी ना रहे। ऐसे बेसन भी आप डाल सकते हो, बस उसमें बहुत दिक्कत होता है। और ये वाली जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये बहुत जल्दी 10 मिनट में बन जाती है ये मिठाई, अगर आप बनाओगे घर पर तो। और बहुत ही टेस्टी लगती है, पतीसा जैसे खाने में लगते हैं, मैसूर पाक जैसे खाने में लगते हैं, सेम वही टेस्ट का बनता है। और यहाँ पर मैं कुछ इलायची के ने कूट के डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे घर में एक गेस्ट आ गए थे, क्या बताओ, इस वजह से थोड़े से वीडियो मेरे बीच के आपको नहीं मिलेंगे, कट हो गए हैं जो मैं रिफाइन घोल रही थी, क्योंकि मैं थोड़ी सी घबरा गई उस टाइम में कि पता नहीं देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि भाभी क्या कर रही है। तो एक तार की चाशनी हो गई थी, मेल्ट हो गई है चीनी, इसको मैंने लो मीडियम फ्लेम पे ही पिघलाया था चीनी को, क्योंकि बहुत कम मैं पानी डाल के पिघला रही थी। तो बस वही चीनी मेल्ट हो गया था, उसके बाद रिफाइंड में मैं घोल के डाली थी, जैसे केक का बैटर नहीं होता है पतली सी, एक पुआ की जो हम लोग घोल तैयार करते हैं उसी टाइप से मैं दिखा रही हूँ आपको, इसी में घोल के मैं रेडी कर ली थी रिफाइंड डाल के। और इसी कटोरे से मैं रिफाइंड ली थी आधा कटोरी से थोड़े से ऊपर, आधे कटोरी मतलब नीचे से आधे हाफ से थोड़े से ऊपर मैं ली थी। और यहाँ पे हम लोग को घी का टेस्ट बहुत पसंद है, तो इस वजह से मैं थोड़े से ऐड कर रही हूँ। अगर आपको नहीं पसंद है तो स्किप कर सकते हैं, पसंद है तो खूब सारा घी डालिए, घी तो ऐसे भी सेहत के लिए अच्छा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे ही लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पर ही करना है, इसको बिल्कुल भी लो नहीं करना है, हाई फ्लेम पर ही। जितना अंदर से ये बबल्स बनेंगे उतना ही बेहतर ये बर्फ़ी बनेगी। तो यहाँ पे मैं चाशनी, बेसन और रिफाइन घी सारे को मिक्स कर ली हूँ, और लगातार इसको ना 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे ही चल लाना है, जब तक नीचे से एकदम झाग से ना बन जाए। यहाँ पे मैं थोड़े से और घी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जितना घी रहेगा उतना बढ़िया टेक्सचर आएगा, मेल्ट होता है मुँह में।
तो मैं कभी मैसूर पाक भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ, इजी सिंपल। आज मैं मैसूर नहीं बना रही थी, बस ऐसे ही खाने का मन किया था मीठा, तो इस वजह से मैं बना रही थी, तो सोचा है कि आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ इसकी रेसिपी। और एक बात का ध्यान रखना है, जिस बर्तन में आप ट्रांसफ़र करोगे तो वो थोड़ी सी गहरी होनी चाहिए, ताकि ये ना जैसे आप जिस बर्तन में रखते हो तो ऊपर की तरफ अंदर से खोल के आता है, ताकि अंदर ना थोड़े से बनते हैं जालीदार बन जाता है। मैं बोल रही थी ना कि ये मैसूर पाक ही आप समझ सकते हो, बट ये थोड़ी सी ईजी सिंपल है, और मैसूर में बताऊँगी बढ़िया से जालीदार बनाना, वो भी मैं ज़रूर रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ये देख सकते हैं थोड़े से ऊपर की तरफ ये रखने के बाद अंदर से जो खोलता है, इस वजह से हीट है, गर्म है, तो मैं थोड़ी देर बाद आप लोग को दिखाऊंगी ठंडे हो जाएंगे उसके बाद काट के। तो देख सकते हैं ठंडी हो गई है, और उस टाइम जो मैं दिखा रही थी कि फूल गई थी, तो वो अब सेट हो गई है और बहुत सॉफ्ट बर्फ़ी बनती है, मुँह में मेल्ट होने वाली। तो मैं काट के दिखाती हूँ, तो आप चाकू देख सकते हैं कितना ईजिली अंदर जा रहा है। तो एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ी हूँ इस वजह से नहीं, तो चलिए फिर मैं काट के पहले दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं बहुत ही यम्मी, जितना देखने में लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा ये बना हुआ था। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, और प्लीज़ अगर नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसी ईजी सिंपल रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं दिखाने आप लोग को मैं दोपहर का खाना, कि आज हमारे यहाँ दोपहर में ना मछली चावल बनी थी, तो इस वजह से तो फ़िश की रेसिपी मैं आपको आई बटन में चेक कर लीजिएगा, मैं लगा दी हूँ। और देखना हो कि बिहारी स्टाइल फ़िश करी तो ज़रूर विजिट करें एक बार हमारे उस वीडियो पे। तो बस चलिए मैं चल रही हूँ खाना खाने, नहा धोवा के आ गई हूँ, काम वगैरह मेरा हो गया था, तो फिर से फाइनल एक बार दिखा दे रही हूँ, क्योंकि मैं मुझे ना फ़िश बहुत पसंद है। मैं थोड़े से टैंगी वाले फ्लेवर वाला बनाती हूँ, बहुत सारा टमाटर वगैरह डाल के। ये कुछ एक्स्ट्रा फिश थे तो मैं साइड में रख दी हूँ, ये बन जाएंगे बाद में, क्योंकि खाने से ज़्यादा था। तो चलिए मैं खा लेती हूँ और मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर बाद। तो फिर से आ गई हूँ मैं किचन में, हो गई है रात, 7 से 8 बजे का टाइम है बीच का। तो मैं बना रही थी रात की सब्ज़ी, क्योंकि दिन में बहुत हेवी वाले खाने हो गए थे हम लोग का। सुबह का नाश्ता भी आप लोग के साथ शेयर की हूँ, सूजी का हलवा वगैरह बना था, और उसके बाद दोपहर में फिश कढ़ी चावल, और यहाँ पे मैं बहुत सिंपल सी कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ। और तो क्योंकि मसाले वगैरह बहुत खाने के बाद बन नहीं करता है, तो सब्ज़ी कोशिश करती हूँ कि 7 या 8 बजे तक बन जाए, और उसके बाद रोटियां वगैरह गर्म गर्म सिकती है और सारे लोग खा लेते हैं। जब ये ऑफिस से आ जाते हैं, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं उसी टाइम में, तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं भर रही थी अपने लिए बॉटल में पानी फ्रिज में रखने के लिए, मैं पीती हूँ बस चोरी चुप्पे से, क्योंकि ये बहुत गुस्सा करते हैं नहीं पीने के लिए। और साथ साथ मैं सब्ज़ियाँ भी बना रही थी, और यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बाढ़ आने वाली सिचुएशन है। आप लोग के यहाँ कैसे है बताइएगा ज़रूर। और यहाँ चुपके चुपके से मैं ले रही हूँ, बस ऐसे ही, ऐसे सारे लोग जानते हैं कि मैं सेल्फ़ी की शौकीन थी शुरू से, तो उन लोगों को लगता है कि मैं सेल्फ़ी लेती हूँ, बट मैं सेल्फ़ी नहीं लेती हूँ, मैं शॉट लेती हूँ। एक टाइम में ना मुझे बहुत नशा था नाइट क्रीम बनाने का, तो ये मैं बनाई थी एलोवेरा जेल, बादाम का तेल, और क्या बोलते हैं उसको, जायफल, जायफल उसका बनाई थी। बहुत ही अच्छा क्रीम था, मेरे चेहरे का ना ज़्यादातर दाग धब्बे इसी से हटे थे इस वजह से। और मैं कोई भी फिल्टर यूज़ नहीं करती हूँ वीडियो रिकॉर्ड में, तो जो भी है मेरा नेचुरल है, तो
वो मैं बनाई थी, कभी कहेंगे तो आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। तो चलिए सब्जी भी बन गई है, बनाऊँगी रोटी और मैं ब्लॉग का भी यही पे एंड कर दूँगी और मिलूँगी आप लोग से दूसरे नए वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।